हे गाइस, मिस्टर मोमलिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशेष। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन की मूवीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। स्पाइडरमैन नो वे होम का एक्सटेंडेड कट इंडिया रिलीज डेट, और अब बात करेंगे मार्वल स्टूडियोज की कमाल की अपडेट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की मूवीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार में कब आएगी। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है स्पाइडरमैन के फैंस इंडिया के लिए कि स्पाइडरमैन की मूवीज आ रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में कल से, यानी कि 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को आएगी स्पाइडरमैन की मूवीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार में 12:30 बजे। तो जो स्पाइडरमैन मूवीज हमें देखने को मिलने वाली है वो है सैम रेमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी, यानी कि स्पाइडरमैन 1, 2, 3, द अमेजिंग स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन होमकमिंग। और साथ ही साथ हमें देखने को मिलने वाली है टॉम हार्डी की वेनम। तो यही स्पाइडरमैन मूवीज हैं, पांचों स्पाइडरमैन मूवीज हैं जो हमें देखने को मिलने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। तो आप लोग सोच रहे होंगे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, वेनम लेट देयर बी कार्नेज और स्पाइडरमैन नो वे होम हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार में क्यों नहीं देखने को मिलने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा इशू है। तो जो स्पाइडरमैन मूवीज हमें नहीं देखने को मिलने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में वो हमें देखने को मिल रही है नेटफ्लिक्स में, यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, वेनम लेट देयर बी कार्नेज और स्पाइडरमैन नो वे होम हमें देखने को मिल रही है नेटफ्लिक्स में। तो आप लोगों को सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम इंग्लिश में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स में। अगर आप लोगों को हिंदी में देखनी है तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 आप लोगों को हिंदी में देखनी है तो वो आप लोगों को अमेजॉन प्राइम वीडियो और बुक माई शो के स्ट्रीमिंग ऐप में देखने को मिलेगी। तो वो आप लोगों को रेंट में लेनी पड़ेगी, क्योंकि रेंट का भी ऑप्शन आ गया है अमेजॉन प्राइम वीडियो में और बुक माई शो के स्ट्रीमिंग ऐप में। अगर आप लोगों को स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम हिंदी में देखनी है वो सेम ही अमेजॉन प्राइम वीडियो और बुक माई शो के स्ट्रीमिंग ऐप में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो दोनों भी हिंदी में अवेलेबल है। तो लेकिन आप लोगों को रेंट में लेनी पड़ेगी, रेंट में अवेलेबल है। बाकी बात करूँ वेनम लेट देयर बी कार्नेज और स्पाइडरमैन नो वे होम की, वो दोनों तो हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स में, आप जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ स्पाइडरमैन नो वे होम Z5 में भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, क्योंकि आपको वो भी रेंट में लेनी पड़ेगी। स्पाइडरमैन नो वे होम Z5 में अवेलेबल है तो आपको रेंट में लेनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो ये स्पाइडरमैन मूवीज़ आ रही हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार में कल से दोपहर 12:30 बजे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो जो बाकी जो स्पाइडरमैन मूवीज़ जो हमें नहीं देखने को मिलने वाली है, देखने को मिलने वाली है 1 जुलाई से, वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, वेनम लेट देयर बी कार्नेज और स्पाइडरमैन नो वे होम जल्दी देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, क्योंकि फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है उन्हीं मूवीज़ का डिज्नी प्लस के हॉटस्टार स्ट्रीमिंग में। तो जल्दी आएंगी वो मूवीज़, 1 जुलाई को नहीं आएंगी पर जल्दी स्ट्रीम होगी आगे की 5 स्पाइडरमैन मूवीज़। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के एक्सटेंडेड कट की इंडिया रिलीज डेट के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं कि एक्सटेंडेड कट क्या है। तो जो मूवी का ओरिजिनल वर्जन है उसमें से कुछ सीन डिलीट किए जाते हैं, फिर बाद में उसका एक्सटेंडेड कट रिलीज़ किया जाता है, मतलब उस मूवी को री-रिलीज़ किया जाता है। जैसे एवेंजर्स एंड गेम के साथ भी हुआ था, एवेंजर्स एंड गेम के कुछ सीन्स डिलीट हुए थे फिर बाद में री-रिलीज़ किया था, स्पेशली इंडिया में भी रिलीज़ किया था एवेंजर्स एंड गेम का एक्सटेंडेड कट। और साथ ही स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के साथ भी हुआ था, उसका भी कुछ सीन डिलीट हो गया था फिर बाद में उसका एक्सटेंडेड कट रिलीज किया गया। और स्पाइडरमैन नो वे होम का एक्सटेंडेड कट आ गया जो कि है स्पाइडरमैन नो वे होम द मोर फन स्टफ वर्जन, क्योंकि हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम के एक्सटेंडेड कट में, जैसे कि इंटरोगेशन मोड वाला, फिर हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है और तीनों स्पाइडरमैन का हैंग आउट देखने को मिलने वाला है। और अब बात करते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम का एक्सटेंडेड कट इंडिया में कब रिलीज़ होगा। फिलहाल तो 2 कंट्रीज़ में अनाउंसमेंट आई है, जैसे कि USA और कैनेडा की 2 सितंबर को, बाकी कंट्रीज़ में जल्दी अनाउंस हो जाएगी और टिकट्स अवेलेबल होंगी 9 अगस्त को। और अब बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज़ के कमाल के अपडेट के बारे में। तो क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि MCU की फैंस क्यों नहीं इंतज़ार कर सकते हैं। तो अपडेट ये है कि बहुत नेक्स्ट मंथ सैंड डेरोको का बहुत बड़ा कॉमिक कॉन होने वाला है। सैंड डेरोको का जो हर साल कॉमिक कॉन होता है, क्योंकि हमें नए नए सरप्राइजेस मिलते हैं MCU फैंस के लिए,
तो बहुत बड़ा कॉमिक कॉन होने वाला है 23 जुलाई को, सैटरडे नाइट को एच पैनल का कॉमिक कॉन होने वाला है, और उस इवेंट को होस्ट करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फैगी होस्ट करने वाले हैं उस इवेंट को, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में। और अब और शायद हमें सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी रिलीज़ हो गई है, आ चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, और थॉर लव एंड थंडर भी रिलीज़ होने वाली है, कुछ ही हफ्ते बचे हैं रिलीज़ होने को। और अब बात करूँ नेक्स्ट की, तो आर्मर वॉर्स की भी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी इसी मंथ में। और अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में ये है कि व्हाट इफ का सीजन 2 20 जुलाई को नहीं आएगा। नीदरलैंड का कहना है कि 20 जुलाई को नहीं आएगा व्हाट इफ का सीजन 2, क्योंकि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है व्हाट इफ का सीजन 2 का अनाउंसमेंट, जैसे ही पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अपडेट ये भी ये मिली है वो ये है कि डॉक्टर डूम का भी रूमर है और प्ले करने वाले हैं हॉवर्ड स्टर्न। तो डॉक्टर डूम का भी जो प्रोजेक्ट है अभी डेवलपमेंट में है, रूमर में डेवलपमेंट में है, मार्वल स्टूडियोज के डेवलपमेंट में है, तो जल्दी ही हमें डॉक्टर डूम का प्रोजेक्ट सीरीज या मूवी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि डॉक्टर डूम आने वाला है मार्वल स्टूडियोज की आने वाली मूवी फैंटास्टिक फोर में। और बाकी बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की, तो मार्वल स्टूडियोज की जो मूवी आ रही है ब्लेड, वो भी उसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर के महीने में, तो अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हो जाएगी ब्लेड मूवी की। तो आप 2022 का तो बहुत ही दो MCU मूवीज हमें देखने को मिली है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आ गई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, मैंने देखी थी डॉक्टर स्ट्रेंज 2, बहुत अच्छी मूवी है, जिन्होंने नहीं देखी है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 तो वो जाके डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देख सकते हो। और बस थॉर लव एंड थंडर का बेसब्री से इंतज़ार है, देखना ये है कि थॉर लव एंड थंडर कितना कमाती है और क्या क्रॉस करती है, क्या फैंस को पसंद आती है थॉर लव एंड थंडर या नहीं, देखना ये है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो देखते हैं कि कैसे पसंद आने वाली है थॉर लव एंड थंडर, तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो देखते हैं सैन डिएगो में देखने को मिलेगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर, क्योंकि फैंस उस ट्रेलर के लिए बेसब्री से इंतज़ार हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो, टिल देन मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब मत करो।